हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेडीएस एकेडमी। नाउ इस पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ की आर्थिक स्थिति किस तरीके से डेवलप होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है, जबकि जहाँ पे डिक्टेटरशिप होती है यानी तानाशाही होते हैं वहाँ डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जैसे इंडिया की मान के बात चलो तो इंडिया में कोई भी कानून बनाने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझ कर बनाया जाता है, जबकि मान लो सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो वहां पे किसी भी चीज के अगेंस्ट में एक्शन बहुत जल्दी लिया जाता है। तो डिक्टेटरशिप से क्या समझते हैं, हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कैसी होती है वहां की इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत ज्यादा हायर रेट होती है। दूसरा नोट क्या है, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नॉट इन इकोनॉमिकली इक्वालिटी, यानी डेमोक्रेसी में हमें पॉलिटिकल इक्वालिटी तो मिलता है लेकिन इकोनॉमिकली क्वालिटी कभी भी प्रोवाइड नहीं होता। जैसे कि मान लो अगर ग्राफ के थ्रू देखा तो रिच और रिच होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन गेन्स था 2006 के अकॉर्डिंग, कि रिच और रिच होते जा रहे हैं, मिडल ही हैं और पुअर होते जा रहे हैं। तो अब इससे क्या समझ में आता है कि डेमोक्रेसी कैन हैंडल सोशल डाइवर्सिटी, इन डेमोक्रेसी में जो सामाजिक डाइवर्सिटी है यानी भेदभाव है या फिर अलगाव है उसको हैंडल करती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड डिग्निटी एंड फ्रीडम, यानी डेमोक्रेसी क्या करती है, लोगों को भाईचारे और स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड करती है। तो फाइनली हमारा ये चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर समझ आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।